हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, इसके लिए सॉरी। क्योंकि शायद आपको पता होगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, इसलिए मैं यूट्यूब को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो खैर छोड़िए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक ऐसा बोर्ड बनाएंगे, इस बोर्ड को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और इसको हम ऐसा बनाएंगे कि जब भी हम इस बोर्ड के साथ कोई भी डिवाइस कनेक्ट करेंगे, जैसे कि मोबाइल चार्जर हो, फैंस हो, लाइट्स हो, कुछ भी हो, जब भी हम इस बोर्ड के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तब हम इस रिमोट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बेड में सोए हुए भी हम इस लाइट्स को ऑन कर सकते हैं, फैंस को ऑन कर सकते हैं। और ये कैसे बनाना है मैंने आपको वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए आपको इस टाइप का एक RGB कंट्रोल बॉक्स चाहिए होगा। ये एक लाइट होता है जो रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट ग्लो करता है, इस टाइप का एक लाइट आता है, इसके साथ कनेक्ट रहता है। मैंने इसको यहाँ से ओपन कर दिया है और ये आपको आसानी से 220 रुपये या फिर 200 में आपको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में। और इस सेट के साथ ये रिमोट भी आता है, आपको ये रिमोट भी मिल जाएगा। और इसके बाद आपको एक 12 वोल्ट का रिले चाहिए होगा, ये आपको 20-25 रुपए में आसानी से इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिल जाएगा। और 12 वोल्ट का रिले हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जो LED लाइट है ये भी 12 वोल्ट का ही है और ये इसी बॉक्स के साथ कनेक्ट होता है। और हम क्या करेंगे, इस रिले को इस लाइट के जगह पे कनेक्ट करेंगे। और आपको इस टाइप का एक 12 वोल्ट का एडाप्टर भी मिल जाएगा इस सेट के साथ, और इस प्रोजेक्ट में हमें इसका भी ज़रूरत है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक बोर्ड ले लिया, आप किसी भी टाइप का बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका वायरिंग मैं आपको वीडियो के एंड में समझा के दूंगा, और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मैं सर्किट डायग्राम को भी अपडेट कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स, अभी हम सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू और ब्लैक कलर की वायर से हमने यहाँ पर AC का सप्लाई दिया हुआ है जो कि मेन करंट में लगेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हुआ है स्विच के एक टर्मिनल के साथ, और यहाँ पर ये जो सॉकेट है इसके दूसरे वाली पिन के साथ। और यहाँ से हमने डायरेक्ट पावर दिया है इस सर्किट बोर्ड को, जो कि 220 वोल्ट AC इनपुट लेता है और 12 वोल्ट DC में कन्वर्ट करके इस सर्किट में भेजेगा। ये जो हमारा रिमोट कंट्रोल के बॉक्स के अंदर था वही सर्किट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर जहाँ पे LED लगाया हुआ था, जो LED स्ट्रिप था, वहाँ पर हमने इस रिले को कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर रिले का दो कॉइल पिन के साथ हमने दो वायर लाया है, ये है इसका कॉमन वायर जो कि है नेगेटिव, और यहाँ पर रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों लाइट्स। हमने सिर्फ यहाँ से एक ही टर्मिनल पे इसको कनेक्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये दोनों वायर रिले के साथ कनेक्ट हुआ है। फिर हमने रिले की जो कॉमन वाली पिन है, ये बीच का पिन ही कॉमन पिन है, यहाँ से एक वायर हमने यहाँ पर सॉकेट की जो पहली वाली पिन है वहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर जो रिले की नॉर्मली ओपन वाली पिन है उस पिन पे हमने एक वायर लगाया हुआ है, और ये वायर आया है स्विच के नीचे वाले टर्मिनल के साथ।
तो फ्रेंड्स अभी हम समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो जब भी हम इन दोनों वायर्स पे पावर सप्लाई देंगे, एसी का पावर सप्लाई, और जब भी हम इन दोनों वायर्स पे सप्लाई देंगे तो इसके साथ साथ इस बोर्ड को करंट मिलेगा और इस सॉकेट को करंट नहीं मिलेगा। नहीं मिलने का कारण यही है क्योंकि हमने एक वायर को, इसकी जो एक वाली वायर है इसको हमने लगाया रिले के कॉमन पिन के साथ, दूसरी जो है इसको हमने लगाया रिले के नॉर्मली ओपन वाले पिन, मतलब यहाँ पे इन दोनों वायर्स अभी ओपन है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है, और ये कनेक्ट करके देगा ये रिले, और इस रिले को हम कंट्रोल करेंगे इस बोर्ड से, और इस बोर्ड को हम कंट्रोल करेंगे रिमोट से। तो फ्रेंड्स अगर आप ये बनाते हो और आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।